आदमी मारे नाम का हर वक्त सीमा पर खड़ा, उस टाइम जाके कहे भाई सबूत बता के है तुझे कुछ कराया या नहीं कराया। मैं अपनी जान जोखिम में घेर के वहाँ 24 घंटे खड़े जी, भी तो हम अपने घरों में सुरक्षित हैं। मोदी ना वहीं जाकर मेरे घर में घुस का, अरे एक नहीं 180 मारे, 180 ऐसी सरकार मोदी की है। मायावती जी सरकार में आई थी दिल्ली, तो सहारनपुर के सारे पेड़ काट कर जमा करके सप गई, सारे मिल बेच गई। अखिलेश आया मेरठ करनाल रोड बना, साल भर में टूट गया, और क्या हमारा विकास बोलता है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए और उसके बाद लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाकर ये छोटी सी घंटी अभी दबा दीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर, मैं हूं नवीन चौहान। आज पहुंचा हूं कैराना लोकसभा के पाउंटी कला गांव में, जनता जनार्दन मौजूद है। आज बात मुद्दों की होगी, जिससे सोचना था सोच लिया और समझना था समझ लिया। जीतेगा कौन ये तो 23 तारीख तय करेगी, लेकिन जनता जनार्दन मेरे साथ मौजूद है। सबसे पहले आप अपना स्वागत तालियों के साथ कीजिए। आज मुद्दा यही है कि किन मुद्दों के साथ जनता अपना वोट करने जा रही है, क्योंकि अब तो वो घंटे खत्म हो चुके हैं और वोटिंग का टाइम शुरू हो चुका है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपसे, ये बुजुर्ग हैं जी, कई साल कई कई चुनाव आपने देख लिए, वोट भी किया, इस बार का चुनाव किस तरह से अलग देख रहे हैं? 2019 17वीं लोकसभा के लिए आप वोट करने जा रहे हैं, क्या सोच के जाएंगे? इसे नुक्कड़ कर सोच रहे, अब जो है भाजपा ही देश का सुधार कर सके, और के बस का नहीं है। लेकिन 5 साल तो दे दिए, अब मुद्दे कौन से हैं? उन्होंने कहा था मुद्दे रोजगार सबको। बात तो सुनो, रोजगार तो सबने करके खाना और करके खाना चाहिए। ये तो सरकारी वो भर्ती में कब तक अपनी एडिया रगड़ेगा आज का युवा? भर्ती हो रही बराबर हो रही, नौकरी बराबर मिल रही, 130 किलोमीटर सड़क बन रही रोजाना। हाँ रोजाना 130 किलोमीटर। तो आपके सामने गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, इसका भी नंबर आ जाएगा? क्यों नंबर कब आएगा जी? मुद्दे क्या है इस बार आपके, क्या दिख रहा है, कहाँ होगा विकास? अब की बार जनता बदलाव चाहती है, बदलाव चाहती है। झूठे वादे, झूठे सब नौकरियों के, हर चीज के, जनता परेशान हो चुकी है झूठे वादों से। अच्छा, युवा के लिए क्या मुद्दा है? रोजगार का मुद्दा है, बिजली पानी का मुद्दा है, सड़क का मुद्दा है, या कुछ और ही मुद्दा दिख रहा है? क्योंकि कैराना लोकसभा में जाहिर तौर पर पलायन और तमाम गुंडागर्दी का भी माहौल रहा, वो खत्म हो चुका कि अभी भी है? नहीं, अभी भी बरकरार है, बरकरार है अभी। इस बार क्या कहां वोट बदलाव पर जा रहा है? बदलाव चाहती है पूरी जनता, बदलाव चाहती है, बदलाव चाह रही है। आप भी युवा हैं, 5 साल सरकार देख ली, इस बार क्या देख रहे हैं? बहुत बदलाव है सर इस सरकार में, बहुत बदलाव। हाँ जी, बहुत कुछ चेंज। बदलाव साथ रहेगा या बदलाव को बदल दिया जाएगा? नहीं जी, इसमें कुछ ना कुछ तो करेगा। डर क्यों है? बदलाव होगा साहब इसमें, हाँ बदलाव होगा। आप बड़ा झांक रहे हो, क्या बदलाव होगा इस बार? सरकार तो जी बीजेपी की आनी है। कारण क्या है? क्योंकि पिछले 5 सालों में क्या हुआ हमारे यहाँ पे, कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा था और दंगा फसाद, चोरी लूट डकैती की वारदात ज़्यादा होती थी। किसान लोग ना खेतों में नहीं जा सके थे रात के टाइम पानी चलाने के लिए, और आए दिन कोई ना कोई वारदात होती रहती थी। ये अपना कैराना बाईपास है, काफ़ी चर्चित रहा है ये इस मामले को लेकर के, और बलात्कार को लेकर के चर्चित काफ़ी रहा है ये, क्योंकि इस बार बदल जाएगा। आपने क्या सोचा जी? इस बार नीली क्रांति आएगी, हरी क्रांति आएगी, कोई और सी क्रांति आएगी? हमारा तो वोट जी सीधा राष्ट्रवाद पे है। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद बातों बातों में रहा, जमीन पे भी दिखाई, जमीन पर दिखा। एयर स्ट्राइक हुई और सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, उसको भूल गए क्या आप? हाँ आप बोल रहा हूँ, आप भूल गए क्या? नहीं कोई नहीं भूला जी, मुद्दों की बात यह है, जो चीज यहाँ 5 साल तक पहले थी वो सब खत्म हो चुकी है, जो राज यू 5 सालों में आया यू बिरला ही देखने को मिलेगा कभी। अच्छा, हाँ ऐसा तो नहीं कभी देखने को ही ना मिले अब? ऐसा नहीं होने का, कंटिन्यू चलता रहेगा मेरे हिसाब से। यू झोला उठा के चले जाए वो, नहीं जो सरकार ने, इस सरकार ने काम कर रखे, ये काम 70 सालों में किसी ने नहीं करे आज तक। अब तक तो 5 साल ही हुए, 70 सालों में किसी ने नहीं करे। ये जो 5 साल आए, इन 5 सालों में जो काम हो लिया वो कदी नहीं होया, और ना शायद आके कोई कर पावे इस सरकार के सिवाय। क्यों जी, कुछ होगा कि नहीं होगा? भाई ऐसा है, सीधे सीधे मोदी की सरकार आवेगी, आप चाहे कहीं या अपना यू डंडा सा कहीं टाओ फिर जाओ। देखो मेरा, मैं अपना विचार है, मैं तो ये कहूँ सीधे सीधे मोदी की सरकार आ जा, और ये जो बदलाव है, ये कह रहे लोग बाग में बदलाव आ गया, फलाना आ गया, कुछ नहीं आता। अच्छा। मोदी एक ऐसा नेता है जो देश के लिए सोच रहा, नहीं तो लोग बाग अपने पेट के लिए सोचे हैं।
जी अब नेता पेट के लिए सोच रहे हैं कि पेट के बारे में सोच के जनता के बारे में भी सोचा जा रहा है? जनता के बारे में सोचा जाएगा, सोच रहे हैं। मोदी जी को 5 साल दिए और पूरी लहर के साथ, पूरे बहुमत के साथ मोदी को सरकार बनवाई, लेकिन 5 साल तक उसे युवाओं के बारे में या देश के बारे में सिर्फ जुमले के अलावा कोई बात नहीं पाई। जनता जो है सिर्फ बदलाव, कोई स्कूल भी बना है, कोई कॉलेज बना है, कोई सड़क आज तक मोदी के राज में इस गांव में नहीं आ पाई। आप देख रहे होंगे सड़क, सड़क सब गड्ढों में है। नाम से प्रधानमंत्री के नाम से आयो जो सड़क बनने लग रही, इस पर बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, झूठ बोलने का कोई नहीं है। जो चीज मौके पर है उसे कोई नहीं बदल सकता। सड़क बनी है क्या इस गांव में? कोई सड़क नहीं बनी। सड़क बनी है? कोई नहीं बनी। अभी देखा है, आप देख के आए होंगे, सड़क बनी है, सड़क गड्ढों में है तैयार, गड्ढों में तैयार है सड़क। अब चुनाव है, अभी कहां बढ़ेगी? तैयार है कोई? तैयार है कोई? नारे नहीं, नारे नहीं, नारे नहीं, नारे काम चल रहा है। नारों से बात नहीं होगी, या तो आप नारे लगा लो या अपनी बात रख लो। ना नारों से कोई हो रहा, जनता बदलाव चाहती है और बदलाव होगा। और कल 11 तारीख में आपको चुनाव सामने, 11 तारीख में होने वाला है बदलाव? नहीं होगा। जो सरकार ये चल रही है यही चलती रहेगी, चलती रहेगी। क्या होगा जिस बार? यही होगी, बीजेपी आएगी। क्योंकि मुद्दे क्या है युवाओं के? रोजगार मिला है, काफी भर्ती निकली है और सबसे ज्यादा इस बार निकली है। 2 करोड़ निकल गई, 2 करोड़ की बात कर रहे हैं। 2 करोड़ आगे भी तो निकलेगी, भी निकले। हाँ। निकली है। आखिरी दिन है, आखिरी दिन है, मतलब अगली योजना भी तो इसकी है, दोबारा से इसकी होगी। आसान अभी भी इसकी है, आगे भी इसकी होगी। अब अगली सोचने लगे, पिछली में कुछ हुआ कि नहीं हुआ? बहुत कुछ हुआ जी, बहुत कुछ हुआ है। हाँ जी, पिछली में अब अगली बात होने लगी, पिछली में भी कुछ सोचा कि ऐसा है? कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान के फौजी मेरे फौजियों का सिर काट कर ले जाते हैं। मोदी ना वहीं जाकर मेरे घर में घुसका है, और एक नहीं 180 मारे, 180 ऐसी सरकार मोदी की है। अन्य आज लो किसी की नहीं बनी, कांग्रेस के राज में कटके गए, मरे गए, मरे पहले छाले गए जब यही छोटे नए अपने आप। रात के 3 बजे मोदी जी ने गिनती कर ली, कितने 180 मरे, 380 की माँ से पूछो, जाके जवानों की माँ से पूछो, मरे के नहीं मरे पाकिस्तान में। काम कर पाया 2 करोड़ का हर साल रोजगार देने का अंदर, कोई युवाओं से जो है पकौड़े तलवा दिए। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं कि जो है मोदी की सरकार कुछ नहीं है, जब संसद पर हमला हुआ था तो कांग्रेस सरकार ने यूएनओ को चिट्ठी लिखी गई थी। अगर आपको मालूम ना हो तो मैं बता दूं, कांग्रेस सरकार ने यूएनओ को चिट्ठी लिखी गई थी कि हमारे संसद पर हमला हुआ है। संसद का मतलब जानते हो पता क्या है? भारत सरकार का दिल है संसद, लेकिन देश का दिल है, देश का दिल है, सिर्फ सरकार का दिल नहीं है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा स्तंभ है। क्या दिखाई दे रहा है जी? गठबंधन है जी, गठबंधन। आपने तो बिना पूछे ही बता दिया। तबस्सुम, मुद्दे क्या है? ये बात नहीं आज कौन जीत रहा है कौन नहीं जीत रहा, वादों से मुक्त होना चाहती है, झूठे वादों से जनता मुक्त, प्रधानमंत्री चाहती है जनता, नया प्रधानमंत्री चाहती है, नया प्रधान बस। हाँ। कौन वो है? ये तो तय करेगी, ये तो पार्टी तय करेगी, ये तो पार्टी तय करेगी ना, ये तो पार्टी तय करेगी, जनता को नहीं पता। हाँ जी, मोदी सरकार आनी चाहिए, और कभी भी या झूठी सरकार बन नहीं सकती। जो झूठी सरकार है या सारी थी कांग्रेस भी और मुलायम भी सारी झूठी थी, तो और सड़क लकड़ी बना। प्रत्याशी समझ में आ गया यहाँ पे? हाँ जी आ गया। हाँ। मोदी बनेगा प्रत्याशी यहाँ का, आपको समझ में आ गया? कहना आ गया, आ गया। प्रत्याशी में तो यहाँ से हमेशा तबस्सुम जीतती है, अब की बार भी वही होगी। प्रत्याशी जो जहाँ मुकाबला था, बुआ जी थी मरकंका जी और तबस्सुम जी, जब तक समय से हर में ऐसा होता जा रहा। एक मिनट, 2 चौतरे थे यहाँ से, उन्होंने ये प्रत्याशी का टिकट बदल गया। ये तो प्रत्याशी बहुत ही कमजोर है, अगर मुकाबला होता तो बुआ जी के साथ होता। अब तो एक तरफा तबस्सुम से चुनाव जीत रही है यहाँ, एक तरफा हो गया क्या काम जी? एक तरफा वो कह रहे तरफा नहीं, भाजपा एक तरफा, प्रत्याशी कमजोर है लेकिन वोटर मजबूत है। कुछ नहीं होना, वोट मोदी का जानी, कमल के फूल पे जानी, प्रत्याशी से इसका भी अड़का जाता, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मोदी जानते हम, मोदी ना जाने, मोदी तो वोट देंगे। ठीक है, बात और जी, यहाँ समाजवादी सुनो जी, यहाँ समाजवादी की सरकार थी, दिन धोड़ी दिन में ए बब्बे रास्ता कहाँ जाए? अभी तो भाई उठ का बताने की भी मर जाए, इतने पिछले ने कुंडल काट लिए, पिछले ने कुंडल काट लिए। पलायन का मुद्दा, यू सरकार का कोई मुद्दा ना पलायन का होगा, ये तो सिर्फ राजनीति थी, राजनीति करके चले गए, राजनीति करके चले गए।
प्लान राजनीति करते रहेंगे क्या नेता? नहीं 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 प्लान एक सर्वे के मुताबिक आपको बता दूं कि 2014 से पहले किसी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान में जाके हमला कर दे। आज नरेंद्र मोदी के होते हुए पाकिस्तान पर हमला होता है, सरकार मजबूत है इस वजह से हमला होता है वहाँ पर। आंकड़ा नहीं बता रहे लेकिन मजबूत सरकार वाले वो कह रहे सबूत दे दो, सबूत दे दो तो दे ही देते ना। अजी देश जो वे लोग सरोसरी जो लोग सेना वो वीडियो किलो देख लो सबूत मांग रहे, सेना पे सवाल करना अपने आप में एक पूरा पक्का सबूत है। जो आदमी मारे नाम का हर वक्त सीमा पर खड़ा उस टाइम जाएगा नु कहे भाई सबूत बता के है तुझे कुछ कराया या नहीं कराया। मैं अपनी जान जो खिम घेर के वहां 24 घंटे खड़े जी भी तो हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, वरना मेरी सुरक्षा कौन करेगा? क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज ने तो नवीन बात बोल दी एक, हाँ तुम फिर आ गए। हाँ जी बिल्कुल आ गए, तुम्हारी बात खत्म नहीं हुई। नहीं हुई बात, समझ लिया जनता ने। हाँ जी समझ लिया। एक बात बताओ आप, आज तो ये बोल रहे हैं कि सबूत चाहिए हमें, वो पत्थरबाजी करके हमारे सैनिकों को मारते थे, तब क्यों नहीं कहते थे कि भाई ये पत्थरबाजी कर क्यों रही है, इनका दर्द हटाओ तुम पहले। दिक्कत तो वहाँ क्यों नहीं बात करी इन्होंने? आज वो तो सरकार भी नहीं कदम उठा रही उन पत्थरबाजों पे, सरकार उठा दिया, पत्थर अभी भी लगी रहे। नहीं कहाँ लग रहे, अब तो गिने चुने देखने मारे। अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं, धारा 370 हटेगी 2000। अब तक क्यों नहीं हटा दी? धारा 370 की बात आ रही है, आपको लग रहा है कि अब हट जाएगी? 4 साल पहले भी वादा करा था, अब फिर कुछ नहीं हटेगा, कुछ नहीं बाजी है सिर्फ, हटेगी की नहीं हटेगी? हटेगी, हटाओगा पहले क्यों नहीं हटा? सबका साथ सबका विकास साल में पूर्ण बहुमत था, 5 साल में भी तो मालूम नहीं है पूर्ण बहुमत आएगा नहीं आएगा, अब तक क्यों नहीं हटाई? 5 सालों में अगर कोई 70 साल का कचरा काट दे अपने घर में दिवाली पे, एक साल में दिवाली आवे और पूरे साल का कचरा वो 1 साल में निकाल सकता, तो 70 साल का कचरा 5 साल। गांधी तो पागल हो लिया। राहुल गांधी ने 3 राज्यों में किसानों का कर्जा माफ किया, बोला करके दिखाया। सुनो राहुल गांधी ने 3 राज्यों में किसानों का कर्जा माफ किया, यूपी सरकार ने बीजेपी सरकार ने आज तक गन्नों का पेमेंट नहीं दिया, सब झूठे वादे हैं, जुमलेबाजी है। आ गया पेमेंट की नहीं आया, गन्नों का पेमेंट आया, पेमेंट सपा ने कर दिया, पेमेंट सपा ने कर दिया, पेमेंट बिल्कुल दिया, लड़ाई बच गई, लड़ाई ना 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 दिया, यानी नहीं दिया, टाइम पे पैसा नहीं दिया। आज की रात तो कयामत की रात है, धड़कने बढ़ रही होगी, कल बटन दब, अरे फूल पे दबेगा, फूल पे। क्या दिख रहा है ताबिश? वो तपिशी तपिश है इन सालों में कि कुछ इस बार नया भी हो रहा है? तपिशी तपिश है इसमें तो, तपिशी है, अब तो गठबंधन है। अच्छा वो तपिश हटा देगा? तपिश हटा देगा, वो गन्नों का पेमेंट नहीं आ रहा तो लाएंगे वो। घोषणा पत्र भी नहीं ला पाए आप, कह रहे गन्ने का पेमेंट दे देंगे, घोषणा पत्र 72,000 रुपए। जी आप कांग्रेस का साहब गठबंधन का कहाँ घोषणा पत्र है? सब एक ही है। एक ही कैसे हो गया? पूरी नहीं हुई भाई, 5 साल में कोई भर्ती पूरी नहीं हुई, अर्न होने की। ये सब पढ़ लिख के खड़े यहाँ बताएं, नौकरी लगी 63,000 SSC GD 2015 में पूरी हुई थी, किसकी सरकार थी उस समय? यूपी पुलिस चल रही है। अगर मोदी सैनिक का सम्मान करा तो वहाँ से वाराणसी से वो लड़ रहा है तेग बहादुर, तो मोदी के सामने क्यों लड़ा? भी सबका जवान है तो अगर सम्मान करेगा तो उसका वहाँ से पर्चा डालेगा अपना। वो तो छोड़ दिया ना उन्होंने, वो तो बर्खास्त हो चुके। अब कौन बर्खास्त तो करे गए ना, करे गए बर्खास्त। हाँ ये जो गठबंधन हो रहा, एक मिनट सही खड़ा मैं, ये जो गठबंधन हो रहा युवा उसका अखिलेश का और मायावती का हो रहा। मायावती जी सरकार में आई थी दिल्ली दसानपुर के सारे पेड़ काट कर जमा करके सप गई, सारे मिल बेच गई। अखिलेश आया मेरठ करनाल रोड बना, साल भर में टूट गया। और क्या हमारा विकास बोलता है, यू विकास हो साल भर में रोड टूट जाए? सबका साथ सबका विकास, बात यह है। जब से खींच रहे हो अब तुम खींच रहे हो, अब छीन के वोट नहीं मिलेगा, वोट तो डल के मिलेगा, खींचने से नहीं, खींचने से नहीं। जब से देश आजाद हुआ था तब तक के आज तक सेम बनते रहे, जितना अखिलेश ने विकास किया आज तक किसी पार्टी ने विकास ही नहीं किया। चले क्यों गए? चले क्यों गए फिर है? अगर काम बोल रहा था तो चले क्यों? ये तो एक लहर थी, लोगों का बहकावा था, लहर थी, अब की अब गठबंधन की आंधी है, सब उड़ जाएंगे, सब उड़ जाएंगे। भाई साहब एक मिनट, इन तेन पूछा प्रधानमंत्री कौन है थारा? इन्हें पता, इन्हें बात बता दो। वो तो सुनो, वो तो चुनाव के बाद तय होगा, जिसकी जितनी सीट होगी प्रधानमंत्री को, जिसकी बोलो आप उनके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे, बोल दो ना। अभी उतने प्रधानमंत्री तय नहीं हुआ, चुनाव के बाद होगा, चुनाव के बाद होगा। तो
जनता से बेबाक बातचीत हुई और अपनी राय जनता ने रख दी। एक मिनट यू भाई कह रहा प्रधानमंत्री चुनाव तो बात तय होगा, लड़ तो रहे 30-30 सीटों पे और 25-25 पे, प्रधानमंत्री कैसे बना देंगे? कांग्रेस जो 230 सीटों पे। एक मिनट, नहीं योगी के नाम पे वोट मांगा था के तो ऐसा ही होगा, ऐसे प्रधानमंत्री आओगे, सबर रख, सबके सामने आ जाएगा, सारे सामने आ जाएगा, बेफिक्र। मेरी बात सुनो, हमारा पार्टियां तय कर चुकी है प्रधानमंत्री मिलेगा नया, कौन वो नाम बता दो, नया प्रधानमंत्री मायावती, अखिलेश यादव है नया प्रधानमंत्री है। तो भाई जनता कोई नया प्रधानमंत्री बता रही है और कोई बता रही है कि क्या कुछ होगा। इधर भी आप देख सकते हैं भीड़ जबरदस्त है। कहा मुलायम सिंह जो है मायावती तक घना चिड़े। हाँ, तो उसे प्रधानमंत्री तो जनता ने बेबाकी से अपनी राय रखी कि 2019 में वो क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। आप भी देखिए रात को ये हमने शानदार तरीके से राय आपके सामने रखी। अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा मतदान कीजिए। हर किसी को मतदान करने का हक है और इस वीडियो को शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।